हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में होने वाले पीएसएल के मैच, जो कि आज यानी 7 मार्च को होगा। उसके बारे में मैच कहाँ होगा? मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट सेक्शन में पिन होगा, वहां से जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि मैच से जुड़ी जो भी अपडेट है, प्लेयर कौन से खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे, पिच कैसी है, स्पिनर्स को फायदा होगा, पेसर्स को फायदा होगा, बैट्समैन को फायदा होगा, और जो इम्पोर्टेंट जीएल पिक्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करते हैं। अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले 5 मैच में से 4 मैच जीते हैं और एक मैच हारी है। वही मुल्तान सुल्तान 3 मैच जीती है और लास्ट के 2 मैच हारी है। काफी अच्छे फॉर्म में थी पर फिलहाल कुछ ऐसा कमाल नहीं हो पा रहा है 2 मैच से। हेड टू हेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच जीते हैं और वही ये मुल्तान सुल्तान है, तो मुल्तान सुल्तान ने पिछले 3 मैचेस में 3 ईयर्स में 7 मैच जीते हैं, यानी इस्लामाबाद से ज्यादा अच्छे मैच ज्यादा मैच जीते हैं। हेड टू हेड की बात करें, लास्ट 5 मैच इस्लामाबाद केवल 1 मैच जीती, मुल्तान सुल्तान 4 मैच जीती है। और एवरेज विकेट फॉल की बात करते हैं। एवरेज विकेट फॉल क्या होता है? एवरेज विकेट फॉल ये होता है कि जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो किस टीम के कितने विकेट गिरते हैं। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमको पता रहता है हमको किस टीम के बॉलर्स को बैक करना है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब भी खेलती है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, तो उनके 7.27 मतलब 8 समझ के चलो 7 से 8 के विकेट के बीच में गिरेंगे, यानी कि आपको इनके सारे बॉलर्स को भर लेना है, क्योंकि आप कब कौन सा विकेट कौन लेके चला जाए आपको आइडिया नहीं है। और वहीं ये मुल्तान सुल्तान है, तो मुल्तान सुल्तान के 5.82 विकेट गिरते हैं, यानी 6 विकेट गिरते हैं। तो टोटल आप मैच में देख सकते हो कि आपको 13 से 14 विकेट गिरते हुए दिखेंगे। तो बॉलर्स एक इम्पॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, या फिर वो ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग भी करेंगे। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भले ही अच्छे फॉर्म में चल रही, पर मुल्तान सुल्तान का डोमिनेंस ज्यादा रहा हेड टू हेड्स में, और वेन्यू पे भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत सकती है। रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के प्लेयर्स की। इस रिसेंट फॉर्म से ही फायदा होगा कि हमको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर फ्लो में चल रहा है, और जो हमको अपनी एक बेस टीम बनानी है 8-9 मेंबर्स की अभी टॉस के पहले, वो यहाँ से काफी हद तक क्लियर हो जाती है। तो लास्ट मैच में मुनरो ने 63 रन बनाए थे, फहीम अशरफ को ने 39 रन बनाए थे, इनको मौका भी मिला था, इनको टीम ऊपर प्रमोट करने लगी है। आजम खान ने 35 रन बनाए थे, फैजल हक फारूकी को 3 विकेट मिले थे, काफी रन देते हैं पर विकेट लेकर के चले जाते हैं शार्दुल ठाकुर की तरह। फहीम अशरफ ने 2 विकेट भी लिए थे और रोमन रईस ने 1 विकेट लिया था। उसके पिछले मैच में आजम खान ने 72 रन बनाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रन थे। एक टाइम पे लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाएगी, वहां से ये पूरा मैच अपनी तरफ लेकर के गया। फिर फहीम अशरफ ने 41 रन बनाया, एलेक्स हिल ने 34 रन बनाए, यही एक शायद इनकी इस पीएसएल में अब तक जो इंपॉर्टेंट पारी रही है वो यही रही है। टॉम करन ने 2 विकेट लिए, हसन अली ने 1 विकेट लिया, रोमन रईस को 1 और फहीम को 1 विकेट मिला। उससे पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी और गुरबाज जो है अफगानिस्तान के, वही 23 रन बना पाए थे। उसके सिवा टॉम करन ने 3 विकेट लिए, शादाब खान ने 2 विकेट लिया, हसन अली ने 1 विकेट लिया और अबरान ने 1 विकेट लिया। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपको लगेगा कि फहीम अशरफ एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपकी टीम में, क्योंकि इनको टीम प्रमोट भी कर रही है। उसके बाद आजम खान 1.5 से नंबर आता है, पर अगर नंबर आ गया तो आपको जीएल तक जिता के जा सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं। और रईस को आप रेख सकते हैं क्योंकि जो भी मैच खेल रहे हैं 1-2 विकेट तो निकाल ही रहे हैं, तो इसलिए इनका भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, अब इनको कंसीडर करना चाहिए आप लोगों को। अब जरा मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं, तो पिछले मैच में पुलाड ने 39 रन बनाए थे। पुलाड का नंबर इतनी नीचे आता है, इनको कोई लेता नहीं है, पर पिछले मैच में ये उसको जिता के जो इनको हर बार इन पर भरोसा करके ले रहा था। रिजवान कैप्टनसी उम्मीदवार रहेंगे इस बार भी, 30 रन बनाए थे और इस्माइलुल्लाह ने 2 विकेट लिए, अनवर अली को 2 विकेट मिला, अब्बास अफरीदी को 2 विकेट मिला, पुलाड को 2 विकेट भी मिला, इसमें 39 रन बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पिक थे। और समीन गुल को जो है 1 विकेट मिला। उससे पिछले मैच में रिजवान ने 29 रन बनाए थे, मसूद ने 25 रन बनाए थे, इस्माइलुल्लाह को 2 विकेट मिला और अनवर अली को 1 विकेट मिला। ये मैच भी मुल्तान सुल्तान हार गई थी। फिर उसके पिछले मैच में क्या हुआ था, जो अभी से तीसरा मैच है, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी, 110 रन बनाए थे और शान मसूद ने 51 रन बनाया, अब्बास अफरीदी को 2 विकेट मिला, खुशदिल शाह को 1 विकेट मिला और उसामा मीर को 1 विकेट मिला। ये मैच मुल्तान सुल्तान जीत गई थी। अब जरा हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। बैटर्स जो कि आपको बैक करनी चाहिए, तो पुलाड, पर पुलाड जो है इस समय इनको उतना मौका नहीं मिल रहा है, नीचे डाउन पे आते हैं, बैटिंग आती नहीं है, तो पर वैसे पुलाड आपके लिए एक अच्छी पिक रह सकते थे अगर नॉर्मल पीएसएल चल रहा होता। 9 मैचेस में 247 रन बनाए, 41.17 का एवरेज है। फिर आते हैं हमारे रिजवान, रन मशीन रिजवान, जो कि 13 मैच खेले हैं, 284 रन है और 41 का एवरेज है। तो आपको एक डिसेंट पॉइंट्स दे करके जाते हैं रन से, प्लस विकेट कीपिंग करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं।
एलेक्स हिल 5 मैच खेले, 149 रन बनाए हेड टू हेड में, 29.8 का एवरेज है। फिर आ जाते हैं शान मसूद, 8 मैच में 181 रन है, 25.86 का एवरेज है, ठीक ही ठाक एवरेज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स काफी अच्छा खेले उन्होंने। बॉलर्स की बात कर लें तो शादाब खान को 11 मैच में 11 विकेट मिले, फहीम अशरफ 10 मैच में 9 विकेट है, हसन अली को 8 में 9 विकेट मिला, उसामा मीर को 8 में 9 विकेट मिला है, और अनवर अली को 8 में 7 मिला, रुमन रईस को 4 में 5 विकेट मिला। सब सब एवरेज ही बॉलर है, कोई अलग से हेड टू हेड में ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा जिसको आप अपने टीम में एक ट्रम्प कार्ड की तरह रख लो। अब स्टेडियम की बात करते हैं तो पिंडी स्टेडियम है, पेस फ्रेंडली है, सेकंड बैट फ्रेंडली है, मोस्टली सेकंड बैट जस्ट जीतती है, और जो पहले बैटिंग करती है टीम 39% मैच जीती है, यानी कि सेकंड टॉस जीत के लोग सेकंड बैटिंग ही प्रीफर करेंगे। बैटर्स की बात कर लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा इनका वेन्यू पे, तो अनवर अली 6 मैच खेले 114 रन बनाए, 38 का एवरेज है, एलेक्स हिल भी इस ग्राउंड पे ठीक ठाक खेले 4 मैच खेले 147 रन बनाए, 36.75 का एवरेज है। शताब खान को देखिए, शताब खान ने 12 मैच खेले 286 रन बनाए, 35.75 का एवरेज है, काफी अच्छा एवरेज है, ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन भी रहेंगे। मोहम्मद रिजवान 6 मैच में 193 रन, 32.17 का एवरेज, और कॉलिन मुनरो 6 मैच में 183 रन, 30.5 का एवरेज है, सीजनल T20 प्लेयर है, काफी अच्छा खेलते हैं, आप इनको बैक कर सकते हो अपनी टीम में। फिर बॉलर साइड वेन्यू की बात करते हैं, हसन अली ने 12 मैच में 14 विकेट लिए, रुमन रईस ने जो है 12 में 12 विकेट लिए हैं, फहीम अशरफ आपको का नाम आपको हर जगह दिखेगा, यानी कि आपकी टीम में रहना ही चाहिए, 12 में 10 मैच में 10 विकेट लिए, और शादाब खान ने 12 मैच में 6 विकेट लिए, और शादाब खान चूंकि विकेट भी लेके जा रहे हैं इस समय फॉर्म में भी चल रहे हैं, और आपको बैटिंग से भी काफी पॉइंट दे करके जाएंगे, तो एक अच्छे ऑप्शन देंगे आपकी कैप्टनसी के लिए। सिर्फ कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान और शदाब खान एक अच्छा ऑप्शन होने चाहिए, उसके सिवा अगर आप जीएल में खेल रहे हो तो जीएल में आप आजम खान को भी रोटेट कर सकते हो, उसके साथ साथ रुमन रईस को भी रोटेट कर सकते हो। तो फिलहाल ये रहा इस मैच का प्रीव्यू, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट मैच के प्रीव्यू में जल्दी ही।